बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। क्या दुनिया की बहुत कम औरतें जन्नत में जाएंगी? जन्नत एक ऐसी नेमत है जिसकी ख्वाहिश हर इंसान करता है, चाहे वो मर्द हो या औरत, और इसके लिए वो दुनिया में नेक अमाल करता है ताकि वो खुदा की इस नेमत को हासिल कर सके। दुनिया में तो औरतों की तादाद बहुत ज्यादा है, क्या जन्नत में औरतों की तादाद कम होगी? क्या जन्नत में जाने वाली औरतें मर्दों की निस्बत कम जाएंगी? हजरत उमर बिन हुसैन फरमाते हैं कि जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में सबसे कम बाशिंदे दुनिया की औरतें होंगी। हजरत इमरान बिन हुसैन, हजरत इब्ने अब्बास और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेराज के वक्त मैंने जब दोजख में झांक कर देखा तो इसके बाशिंदों में औरतों को सबसे ज्यादा देखा, और मैंने जन्नत में जब झांक कर देखा तो इसके बाशिंदों में फिक्रा को ज्यादा देखा। सवाल, दुनिया की खवातीन के जन्नत में कम होने की वजह क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ औरतों कि जिन्स तुम सदका किया करो और कसरत से अस्तगफार किया करो, क्योंकि मैंने तुम्हें यानी तुम्हारी जिन्स को दोस्तियों में सबसे ज्यादा देखा है। एक औरत ने जो अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करती थी अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमने ऐसा क्या कसूर किया है? हम औरतें दोजख में ज्यादा क्यों होंगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लानत मलामत ज्यादा करती हो और अपने खावंद की नाशुक्री और नाफरमानी करती हो। एक और रिवायत में है कि जन्नत में दुनिया की औरतों का कम होना अव्वलो खोल जन्नत के वक्त है, फिर जब शिफाते नबी और रहमते इलाहा की वजह से इनको दोजख से निकाला जाएगा, क्योंकि उन्होंने कलमा तो पढ़ा था। इस तरह से जन्नत में जाने के बाद ये तकरीबन हर जन्नती के निकाह में दो दो औरतें तकसीम हो जाएंगी, तो फिर से जन्नती मर्दों से ज्यादा हो जाएंगी। जन्नत की हूरें तो सरत में होंगी कि इनका तो शुमार ही नहीं हो सकता।